हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी। यहाँ पे मैंने भिगोई थी आधी कटोरी, मैंने यहाँ पे भिगोई चना दाल, एक कटोरी मैंने भिगोई थी यहाँ पे नॉर्मल चावल, बासमती के चावल हमें यहाँ पे यूज नहीं करने हैं। तो यहाँ पे मैं चटनी बनाने के लिए ले रही हूँ हरा धनिया, दो हरी मिर्च, पुदीना के साथ 8 सूखे पत्ते। तो आप चाहे तो इसमें ताजे पत्ते का यूज कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा मैं ले रही हूँ यहाँ पे इमली पल्प, जो मैंने इमली को पानी में भिगो के रखा था और छन्नी में हमें इसको छान कर लेना है। तो सभी चीज़ों को पीस कर इसकी चटनी तैयार कर लें। तो यहाँ पे हमारी चटनी पीस कर तैयार हो गई है। अब हमें यहाँ पे पीस लेना है चना दाल और चावल। तो मैंने यहाँ पे चना दाल का पानी निकाल कर चने दाल को मिक्सी जार में डाल दिया है। फिर हमें चावल का पानी निकाल कर चावल को हमें मिक्सी में डाल देना। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालकर, ज़्यादा पानी एकदम इसमें ना डालें, थोड़ा ही डालें और इसका पेस्ट तैयार कर लें। तो ये पेस्ट हमारा बनकर यहाँ पे तैयार हो गया है। तो पेस्ट हमें इतना ही यहाँ पे थिक रखना है, ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा हमें यहाँ पे नहीं रखना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की ही होनी चाहिए जिस तरह से मैंने रखी है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 स्पून मैंने यहाँ पे मीठा सोडा ऐड किया है। जो पीसी हुई चटनी थी यहीं पे हमें डालकर अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और 1/2 घंटे के लिए हमें ढककर रख देना है। दाल और चावल का जो पेस्ट तैयार करा था, अब इनको भर दें एक कटोरी में। तो एक कटोरी में मैंने 1 करछी जितना पेस्ट भर लिया है। तो हमें एकदम ज़्यादा पेस्ट इसमें नहीं भरना है, 1 करछी जितनी मैंने यहाँ पे भरे हैं। अब एक बर्तन में किया था मैंने गरम पानी, गरम पानी हमारा यहाँ पे मैंने एक बर्तन में किया था, तो वो अच्छे से उबल रहा है। और इसमें मैं रख दे रही हूँ छन्नी वाली प्लेट और इसके ऊपर रख दे रही हूँ इडली से भरी हुई कटोरियाँ। तो अब मैं इसको अच्छे से ढक्कन से जो है मैंने ढक दी है और अब हम तब तक इसको पकने देंगे जब तक ये इडली हमारी अच्छे से फूल ना जाए। यहाँ पर मैंने इडली को चेक किया था टूथपिक से, टूथपिक मैंने डाल कर देखी तो हमारी जो टूथपिक है उसमें कोई भी जो ये दाल पेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इडली है बनकर तैयार है। तो यहाँ पर मैंने इडली को थोड़ा ठंडा होने दिया, फिर मैंने चारों तरफ से मैंने चाकू की मदद से इसको निकाल दिया है। तो ये देखो हमारी इडली यहाँ पे बनकर एकदम सॉफ्ट स्पंजी इडली तैयार हो गई है। तो इडली को आप थोड़ा ठंडा हो के ही निकालें, एकदम गर्मा गर्म इडली हम निकालेंगे तो ये एकदम से ही टूट जाएगी। इडली हमारी यहाँ पे बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह की कटोरी में इडली बना के तैयार करी थी। मैंने चेक किया कि इसमें बन पाती है या नहीं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी इडली बनी है ना ये बहुत ही अच्छी बनी है। देखो तो ये इडली मैंने निकाल दी है, तो ये इडली भी हमारी यहाँ पे बन के तैयार है। तो जालीदार स्पंज इडली यहाँ पे तैयार है। तो सभी इडली को मैंने इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। करते हैं इडली को सर्व। तो यहाँ पर मैंने इडली को रख लिया है। तो इसको आप हरी चटनी या खट्टी मीठी चटनी या मसाला दही के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें काला नमक, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा मिर्ची से मैंने इसको गार्निश कर लिया है। तो बस इडली हमारी खाने के लिए तैयार है। मैंने यहाँ पे ये इडली चने दाल से तैयार करी है। आप चाहे तो उड़द दाल से भी बना सकते हो और मूँग दाल से भी। तो ये इडली आपको मेरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं।